जिंदगी जीने के समय या जिंदगी जीते हुए प्रेशर तो आएगा ही, टेंशन आता है, तो उसको कैसे डील करे उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करते, उनका इलाज करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, मानसोपचार करते हैं। आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए उसके ऊपर, और हमें सलाह मशवरा कर सकते हैं। लोग जब आते हैं कि हमको प्रेशर है या टेंशन है, उसका सामना कैसे करें, तो बोलते हो प्रेशर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रेशर तो आएगा ही। जब आप जिंदा है और जीवन जी रहे हैं तो प्रेशर आएगा। आप घर में हैं तो फैमिली का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर, पति का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, बाहर जाओगे तो बिजनेस होगा तो बिजनेस का प्रेशर अलग है, कस्टमर का प्रेशर है, नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का प्रेशर है, बाहर दोस्तों का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, तो प्रेशर रहेंगे ही। प्रेशर रहने के बावजूद भी हमें उसको फाइट करना देखने का है कि हम कैसे फाइट कर सकें। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो तीन तरह का रिस्पॉन्स होता है। एक है फाइट करना या फ्लाइट करना, फाइट मतलब झगड़ना, संघर्ष करना, उसका सामना करना। दूसरा है फ्लाइट करना, मतलब भाग जाना, उड़ जाना। और तीसरा है फ्रीज हो जाना। फ्रीज होना मतलब वहीं पड़े रहना, कुछ नहीं करना। होता क्या है कि लोग अक्सर ज़्यादा प्रेशर आने के बाद में भाग जाते हैं। और भाग क्यों जाते हैं, क्योंकि प्रेशर आ गया, लोग बोलते जाने दो, कहाँ करता है, छोड़ दे, ये सब छोड़ना ही अच्छा है। और वो छोड़ दिया तो अच्छा है, क्योंकि नहीं छोड़ा और वो करते गए तो फिर लोग बोलेंगे देखो तुमको हमने बोला था ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुमने किया, देखो अभी फंस गए। क्योंकि प्रेशर आ गया, टेंशन आ गया, तो लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो इसलिए वो आदमी भागने की सोचता है। मगर मेरा ये कहना है कि भाई आप प्रेशर को भागेंगे तो प्रेशर का सामना कैसे करेंगे। लाइफ में प्रेशर तो आएगा ही। देखो छोटा बच्चा है, अब उसको उसके माँ बाप ने सब कुछ हाथ में दे दिया, रेडीमेड दे दिया पूरा, उसको कहीं हिलने भी दिया नहीं, सब रेडीमेड उसको मिल रहा है, तो कहाँ से सीखेगा वो, सीख नहीं पाएगा कि लाइफ कैसे जीना है। तो जब बड़ा हो जाएगा, जब माँ बाप नहीं रहेंगे उसके ऊपर, जब कुछ काम की जिम्मेवारी आएंगी, तब टूट जाएगा। तो बच्चों को भी हमको ये सिखाना है कि प्रेशर का सामना कैसे करें। प्रेशर आता है तो आदमी स्ट्रांग हो जाता है, मगर प्रेशर आ गया तो लोग काम छोड़ देते हैं। हमको स्ट्रांग होना पड़ता है जब प्रेशर आता है तो, और वो प्रेशर का सामना करते करते हमको अंदर से बहुत ही पावरफुल बनने का है। ये जीवन की लड़ाई है, और ये जीवन के लड़ाई में संघर्ष करना पड़ेगा। अलग अलग मुसीबतें आएंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, उसका सामना हमको करना पड़ेगा। और ये जीवन की लड़ाई हमको जीतने का है, यहाँ से हिलना नहीं है। यदि आपके सामने मुश्किल ही नहीं है तो आप बड़े कैसे होंगे, आप शक्तिशाली कैसे होंगे। जीवन में संघर्ष करते करते आप बड़े हो जाएंगे। तो आपको बड़ा होना है, पावरफुल होना है। तो मुश्किलें नहीं होंगी तो आप तो निर्जीव वैसे ही बन जाएगी, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बोर हो जाएगा जीवन। मुश्किलें नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़े मुश्किलें तैयार करो, बड़ा प्रॉब्लम तैयार करो, ताकि उसका सामना आप करेंगे और जीवन जीने में मजा आएगा। जब आप मुश्किलों से लड़ना शुरू करोगे तब देखो जीवन जीने में कैसा मजा आता है। तो ना कि एक घर में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और भागम भागी कर रहा है, फेस नहीं कर रहा है, उसके कंपैरिजन में देखो मुश्किलों से लड़के देखो। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, मरना तो एक दिन सबको ही है, बड़े हो गए, 70, 75, 80 साल की उम्र है, तो पीछे मुड़ के जब आप देखोगे तो ऐसा लगना चाहिए कि ना, मैंने ना जीवन में सभी मुश्किलों का सामना किया, सभी प्रॉब्लम्स का सामना किया, और जीवन जीने में मज़ा आ गया। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको स्थिर रहना है, शांत रहना है, देखना है कि क्या मैं कर सकता हूँ, अभी है क्या, सामने क्या है, और उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसका सामना कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस मेरे पास में है, मैं कौन सी एक्शन ले सकता हूँ, और अभी तक जो एक्शन लिया वो एक्शन काम की नहीं है, ठीक है, चलो अभी कौन सी नई एक्शन मैं लूँगा, ताकि जो भी मुश्किल है उसका सामना मैं कैसे करूँ, ना कि भाग जाने का। जब आप अलग 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 उसमें एक्शंस देखेंगे, अलग अलग रास्ते देखेंगे, तो जरूर एक ना एक रास्ता आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। मुश्किलें आएंगी आएंगी, उसका सामना करो, दिमाग शांत रखो, और शांत दिमाग से हर बार नई 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 एक्शंस, नई 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 कृति करके देखो, और जब आप कर्म करेंगे तो फल आपको आप मिलेगा ही मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो,
सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपके सभी ग्रुप में ये फैला दो, लोगों को समझ में आएगा कि टेंशन में क्या करें। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, शक्तिशाली जीवन हर एक ने जीना चाहिए और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।